जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को इसलिए आप पूरी देखना, स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आने वाली दीपावली है, दीपावली पर हम साधना कैसे करें या फिर कौन सी साधना करें। तो आज जो हमारा जो इसका मैन जो इसका मैटर रहेगा वो दीपावली पर अप्सरा साधना का रहेगा, ठीक है? क्योंकि चंद्र ग्रहण तो निकल चुका है और चंद्र ग्रहण से आपको बहुत सारी जो मैंने वीडियोस दी हैं, अगर आपने वो वीडियो पूरी सुनी है तो आपको उससे बहुत कुछ लाभ और बहुत कुछ साधना करने के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। वो ज्ञान जो है आपको, वो कहीं ना कहीं आपके आगे भी काम आने वाला है। क्योंकि जो दीपावली है वो 12 तारीख की है, तो दीपावली के टाइम पर ये 5 दिन होते हैं। भाई, धनतेरस हो गया, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली आती है, उसके बाद गोवर्धन आता है, भाई दूज आता है। ये 5 दिन विशेष मुहूर्त के दिन होते हैं और इन दिनों में साधना करनी ही चाहिए। हालांकि विशेष दिन तो चल ही रहे हैं, अगर जिन्होंने साधना जो है चंद्र ग्रहण से शुरू कर दी है तो वो साधना को आगे जारी रखें, करते रहें वो। तो देखिए, वीडियो जो देख रहे हैं, जो नए व्यूवर हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि भाई, वीडियो को आप अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बेल के बटन पे भी ऑल के फंक्शन पे क्लिक करें। वही बात मैं जो पुराने व्यूवर हैं उनसे भी कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर को वीडियो नहीं मिल पाती है। अरे भाई, व्हाट्सएप में मुझसे पूछते रहते हैं और बहुत से लोग तो चाहते हैं कि व्हाट्सएप में ही पूरी जानकारी दे दो। पता नहीं क्या है यार उनके मूड में समाई है कि जब मैंने वीडियो में पूरा बता दिया है तो फिर व्हाट्सएप में पूछने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है। नहीं जी, आपसे बात करनी है, नहीं जी, आप अपने मुंह से दे दो मंत्र। अरे भैया, वहां तो भी मैंने मुंह से बताया है, यहां भी मैं तुम्हें मोबाइल पे बताऊंगा। आमने सामने तो तुम्हारे बैठा नहीं हूं मैं कि भाई तुम्हें आमने सामने बैठ करके मैं बता दूंगा। हाँ, यहां भी मैंने अपने मुख से बताया है, वहां भी मैं अपने मुख से ही बताऊंगा, वीडियो में भी ऐसा ही बता रहा हूं मैं। तो अगर वीडियो देख लोगे तो फिर सारा कुछ समाधान आपका हो ही जाएगा। लेकिन बस सोच है अपनी अपनी लोगों की कि उनको क्या अच्छा लगता है। दूसरा, मैं एक बात और यहां कहूंगा कि जिन लोगों ने चंद्र ग्रहण में साधना की है, बहुत से लोगों को तो सफलता मिली है और कुछ लोगों को सफलता नहीं मिली है, तो उसमें कुछ कारण हो सकते हैं। अब कैसे कारण हो सकते हैं? कहीं मंत्र जाप का सही प्रकार से ना करना, या कोई ना कोई ऐसी त्रुटि करना जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ है। अब अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया था और कुछ लोगों ने तो कमेंट भी किए हैं कि जी, हमने साधना करी, हमें तो अनुभव ही नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने लक्ष्मी साधना की, अष्टलक्ष्मी साधना, उसका मंत्र जाप किया, जी बोला हमें अनुभव नहीं हुआ। एक बोला कि मुझे, मैंने अष्टलक्ष्मी साधना की, कुछ लाभ ही नहीं हुआ। अरे भैया, लाभ क्या तुरंत मिल जाएगा? अभी आपने, आप एक चीज को सोचिए कि आपने जो उपले होते हैं, जो गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, उपलों को आप पहले उनको थेपते हो, उसके बाद वो सूखते हैं, फिर आप उनको जलाते हो, तब उनसे रोटी बनती है। अब आप चाहते हैं कि उपले को गोबर उठाओ और सीधा झोंक दो आग में और बस तुरंत हमें रोटी बनी बनाई मिल जाए, तो भाई ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, पहले उस उपलों को आप बनाओगे, पाथों को, कंडों को, फिर आप उनको सूखेंगे, फिर वो जलेंगे, तो टाइम लगा ना। तो वैसा ही टाइम साधनाओं में भी होता है। साधनाओं में अगर आपने मंत्र जाप किया तो आपको फल तुरंत थोड़ी ना मिल जाने वाला है कि भाई आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आप इस चीज को समझो। ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगा
कि चैनल पर वो जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस वो देखें, जिससे कि उनको ज्ञान प्राप्त हो, उनको उसके बारे में पता लग जाए कि भाई साधनाओं में क्या तरीका होता है, कैसे वर्क करती हैं ये, क्या इनका प्रावधान है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। दूसरा, अनुभव की बात आ जाती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि भाई लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी साधना अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा लंबा टाइम लगता है, उसी का रूप है अप्सरा साधना। अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो वही चीज़ आपको जल्दी प्राप्त हो जाती है। टाइम तो उसमें भी लगता है लेकिन थोड़ा जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अब आप सोचते हैं कि आपने लक्ष्मी मंत्र का जाप किया तो भाई आपको तुरंत ही उसका भी अनुभव हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी लक्ष्मी का जाप करने से अनुभव नहीं होता है, उसका जाप लगातार करना पड़ता है। कुछ दिनों तक लगातार करते रहोगे तो फिर अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों को क्या होता है कि बीच में अनुभव आते हैं फिर रुक जाते हैं, तो ऐसे में धैर्य मत खो, धैर्य से साधना करो, धैर्य रखो अपने अंदर, भाव रखो अपने अंदर। अगर आपका भाव डगमगा जाता है तब भी आपके अनुभव बंद हो जाते हैं, आपका मन का भाव जो है वो साधना में नहीं रहता है, कुछ दिन करने के बाद साधना से मन हटने लगता है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको अनुभव आना बंद हो जाएगा। कैसे? अगर आप शीशे के सामने खड़े हो, शीशे में आप अपना चेहरा देखते हो, अगर शीशे को हिला दिया जाए क्या चेहरा ठीक से देख पाओगे? नहीं दिखेगा ठीक से, या तो आप हिल रहे हो या शीशा हिल जाए, दोनों में से अगर कोई भी हिलता है तो चेहरा आपको ठीक से नहीं दिखाई पड़ेगा। जब रुक जाएगा, दोनों स्थिर हो जाओगे, तभी तो दिखाई देगा चेहरा और साफ दिखाई देगा। वही काम साधनाओं में भी होता है, जब आपका भाव बिल्कुल एकदम रुका हुआ होता है, वहीं पर टिका हुआ होता है, तो आपको सब कुछ अनुभव बहुत अच्छे से मिलते हैं, और जब हट जाता है तो डगमगा जाता है वो। तो इसलिए आप इस चीज़ को भी समझो, कहीं कहीं मंत्र जाप में त्रुटि करते हो तो उस चीज़ को भी समझो। ये नहीं है कि उठा करके तोल दिया कि जी साधना खराब है या मुझे तो अनुभव नहीं हुआ, जी मैं क्या करूँगा। कुछ लोग कहते हैं जी मैं बहुत दुखी हूँ, अनुभव नहीं हुआ। अरे भैया एक दिन में सब कुछ चाहिए, लोगों को वर्षों गुजर जाते हैं तुम्हें एक दिन में चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? कुल मिला करके बहुत से लोगों को अनुभव इसलिए हुए कि उन्होंने साधना पहले कर रखी थी, साधना की सामग्री लेकर के वो पहले से ही साधना करते आ रहे थे, और उन्होंने जैसे ही चंद्र ग्रहण में मंत्र जाप किया और तो उनको और ज़्यादा अनुभव हुए। तो इसलिए इसमें आप ये मत समझो कि जी हमें अनुभव नहीं हुए तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। अनुभव से साधना सिद्ध नहीं होती है। आपको मैं कहता हूँ कि आपको अनुभव आता रहे, और आपको अगर लाभ ना मिले तो क्या फ़ायदा उस अनुभव का, या अनुभव आता रहे आपके सामने प्रत्यक्षीकरण ना हो तो क्या फ़ायदा उस अनुभव का, और अगर अनुभव ना आए और आपका काम हो जाए या फिर आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाए एकदम से। तो जब भी ऐसा होता है, ऐसे लोगों के सामने एक साथ होता है, मतलब एकदम से होता है सब कुछ सामने, जिनको अनुभव रुक जाते हैं उनके सामने एकदम से प्रत्यक्षीकरण आता है या फिर बहुत तगड़ा अनुभव आता है उनको, ऐसा होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को धैर्य रख करके और साधना को करते रहें, क्योंकि अगर आप धैर्य रख करके साधना करते हैं तो फिर आपकी साधना एक लेवल में रहती है, चलती रहती है वो। और अगर आप रोक देते हैं या आपका मन भटक जाता है तो वो अपनी पटरी से रेलगाड़ी आपकी उतर जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्यों आती है? क्योंकि जो शक्ति है वो भी ये सोचती है कि मैं इसको ऐसा बीच में कुछ ऐसा दूं जिससे कि ये अपनी साधना को छोड़ दे, इसका मन भ्रमित हो जाए, क्योंकि वो आपके अंडर में आना नहीं चाहती है, तो इसलिए वो आपको भ्रमित कर देती है और आप उस भ्रम में फंस जाते हो। गुरु का काम यही होता है कि वो उस भ्रम से निकालता है आपको, उसको पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आपको वो समझाता है। अब समझना ना समझना तो आपका काम है, उसके समझाने से अगर आप सही रास्ते पर चल जाते हो तो फिर आगे बढ़ते चले जाओगे।
यही काम गुरु का होता है। बाकी तो गुरु तो आपको निर्देश देता है, आपको आगे का तरीका बताता है, उसकी जेब में नहीं रखा होता कि निकाल के तुम्हें दे दें, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप उस चीज को सोचें और फिर समझ करके आगे बढ़ें, ठीक है। दीपावली, दीपावली पर आप साधना उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे आपने ग्रहण में किया, लेकिन दीपावली पर आपको जो साधना करनी है वो पूर्ण विधि विधान से करनी है। जिन लोगों के पास में सामग्री पहले से ही है वो सामग्री के साथ ही साधना करें, पूर्ण विधि विधान के साथ में। और अगर आपके पास में सामग्री नहीं है तो फिर ऑर्डर आप जल्दी कर लें, क्योंकि नहीं तो फिर आपको टाइम से सामग्री नहीं मिल पाएगी। आज 30 तारीख है, मैं वीडियो जिस दिन बना रहा हूं, और आपके पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर करते हैं तो मुझे भी कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है आपको पोस्ट करने के लिए, और स्पीड पोस्ट से पोस्ट होती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं बीच में सामग्री जो है रुक जाती है, कहीं बीच में फंस जाती है, तो आपको नहीं मिल पाती है टाइम से। या फिर आप अगर चाहते हैं कि भाई प्राइवेट से करें तो उसमें बहुत महंगा पड़ता है। ब्लू डर्ट से आपको 2 या 3 दिन में सामग्री मिल जाती है, लेकिन ब्लू डर्ट से अगर आप सामग्री मंगाते हैं तो लगभग आपका 500 रुपये चार्ज आता है उसका, 500 रुपये उसका खाली पोस्टिंग चार्ज है आपके वहाँ तक पहुँचाने का। तो वो आपको, वो पेमेंट आपको अलग से करनी होगी, इस बात का ध्यान रखें आप, अगर आपको ब्लू डर्ट से मंगाना है तो। नहीं तो फिर आपको स्पीड पोस्ट से जहाँ से 5 से 6 दिन लगते हैं सामग्री आपके पास पहुँचने में, कहीं कहीं तो 3 दिन में ही 2 दिन में ही पहुँच जाती है, तो ऐसा नहीं है, उससे भी टाइम से पहुँच जाती है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखें, पूर्ण विधि विधान से जो मैंने वीडियो में बताया है उसी विधि विधान से आपको साधना करनी है। अब साधना कौन सी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सी करनी है। कुछ लोगों को तो अप्सरा साधना करनी होती है, कुछ कोई यक्षिणी साधना है, कोई किन्नरी साधना करना चाहता है, कोई भैरव साधना करना चाहता है। लेकिन लक्ष्मी पूजन जो होता है, विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन दीपावली की रात्रि में किया जाता है। अच्छा, उसका भी कुछ टाइमिंग होता है। आप इसमें साधना में ऐसा कर सकते हैं कि पहले लक्ष्मी पूजन कर लें, ठीक है। लक्ष्मी पूजन आपको शुरुआत में ही करना है, लगभग 7-8 बजे के आसपास ही कर लें, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगता है। लक्ष्मी पूजन करके लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करें। अगर आपको कोई दूसरी साधना करनी है तो फिर आप उसके बाद फिर कोई दूसरी साधना कर सकते हैं, जैसे कि 11 बजे 12 बजे अगर आप करना चाहते हैं तो 11 बजे से शुरू कर सकते हैं, 10 बजे से शुरू कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि में साधना जो आप करेंगे वो कोई सी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी ही, लेकिन विशेष रूप से लक्ष्मी साधना का दिन है तो आप लक्ष्मी साधना विशेष रूप से कर सकते हैं इस दिन में। अप्सरा साधना जो आप करते हैं या यक्षिणी साधना करते हैं, फल आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि चैतन्य दिन है, अच्छी रात्रि है और विशेष मुहूर्त भी है। तो दीपावली की रात्रि में बहुत से लोग तो जो शमशान में बैठ करके साधना करते हैं, क्योंकि उनका अलग मैटर है, वो वामाचारी पद्धति से करते हैं, वहाँ पर दीपावली की महानिशा की जो रात्रि है उस, वो तांत्रिकों के लिए विशेष महत्व रखती है। अब चाहे वो वाममार्गी तांत्रिक हो या फिर सात्विक हो, उससे मतलब नहीं है, जो टाइम है वो सभी के लिए बहुत ही विशेष शुभ होता है ये। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि भाई ये टाइमिंग जो है केवल तांत्रिकों के लिए है, ऐसा नहीं है, सात्विक के लिए भी है ये। आप अप्सरा साधना करो इसमें या लक्ष्मी साधना करो, लगातार करो, काफ़ी लंबे टाइम तक करो, तो आपको फिर आपको जो है अनुभव और उसको अच्छे मतलब परिणाम आपको मिलेंगे। और साधना तो मैंने बहुत सारी दी है, क्योंकि मैं आपको साधना बीच में भी दूंगा, बताऊंगा भी, जो मैंने साधनाएं पहले दी हैं, लक्ष्मी साधना भी दी है, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, बहुत सारी साधनाएं दी हैं, आप वीडियोस को वहां पर देख सकते हो जा करके, और चैनल पर जाओ, सर्च करो, वीडियो आप
वहां देख सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि बेवजह मैसेज दबा दब दबा दब मैसेज मत करना, क्योंकि मैंने अगर आपको एक बार जवाब दे दिया आप सोचते हो कि सारा कुछ अभी पूछ लूं बस, लेकिन अब पूछने का भी तो कोई ना कोई भाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आप पूछने लायक है। कुछ लोग तो बहुत बेवजह के क्वेश्चन है उनके, कोई उनका आधार नहीं है, तो ऐसे में मुझे दिक्कत होती है। मैंने आपको पहले भी बोला कि रात्रि में मुझे मैसेज ना करें। अक्सर कुछ लोगों को जरूरत पड़ जाती है, बहुत जो जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो लोग मैसेज कर देते हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा जिनको ज़रूरी है वही करें। ऐसा नहीं कि भाई सभी लोग उठा उठा के मैसेज करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, मेरा भी अपना टाइम है, मुझे भी कुछ अपने कार्य करने होते हैं, साधनाएं हैं, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। अब आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत सी वीडियोस दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा, और एक कथा भी आपको दूंगा जो शमशान भैरवी मृगाक्षी की कथा है। मैं काफ़ी टाइम से मैं कहता हुआ भी आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त ना मिलने की वजह से मैं नहीं दे पाया उसको। तो अब आगे आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई आपको साधना दीपावली की रात्रि में करनी है। इस चीज़ को ध्यान में मत रखें कि मुझे अनुभव हुआ नहीं हुआ, अनुभव से कोई मतलब नहीं है, साधना करो बस, और सामग्री के साथ साधना करनी है। अब ऐसा नहीं है कि उठा करके बस मंत्र जाप चालू कर दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यह होता है कि मुझे लेनी ही ना पड़े या मुझे मैं ऐसे ही मेरा काम चल जाए, तो भाई उन लोगों को सिद्धि प्राप्त होने में संदेह रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप सामग्री के साथ में करते हैं तो उसका एक अलग विशेष महत्व होता है। ऐसे तो अगर ऐसे ही करनी होती, ऐसे ही सिद्धियाँ मिलती, तो फिर ज़रूरत क्या थी इन चीज़ों की, बनती नहीं ये सब चीज़ें, माला ही नहीं होती, यंत्र नहीं होते और सब चीज़ें नहीं होती। भाई आपको दीपक भी जलाना होता तो घी की भी ज़रूरत पड़ेगी, अब वो भी तो सामग्री है, तो फिर उसकी भी क्या ज़रूरत है अगर आप इसी चीज़ को सोचते हैं तो। खैर, जो मैंने आपको बता दिया है उस पर ध्यान करना, गौर करना। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।